बस बस अच्छा लाइट मिल रहा था उधर मोबाइल। सोनल जी एंटर। कैसे हो? देखा आपको ही देखा। अभी देखना बंद कर दिया। हाँ। 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 अभी आप बाहर आ गए ना? अभी आप बाहर आ गए। कैसा लगा आप लोगों को? मस्त मस्त लगा। कैसा किया मैंने? बढ़िया। अच्छा किया। मतलब सफर कैसा रहा आपका इतना दिन का? मुझे लगता है कि इतने सारे डिफरेंट लोग मुझे देखने के लिए मिले और just felt कि everybody doesn't have a good heart as you have. तो वो आप लोगों को बिग बॉस के अंदर पता चल ही रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। और अगर निकी बोल रही हैं वो ऑलरेडी बिग बॉस के अंदर रह चुकी हैं, वो जानती है कि किस तरीके का ये गेम है। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। सो दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। आप लोगों ने देखा कि मैं कैसी हूँ। एंड मैं सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब मैं बाहर निकल के आई और मैंने देखा दैट आई वाज ट्रेंडिंग एवरीवेयर, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। वी स्टैंड बाय डोनल्ड, लोन वॉरियर डोनल्ड, यू नो अभी तो ट्रेंड कर रहा है नो डोनल्ड नो बिग बॉस 15। सो इस तरीके की चीज़ें देख के मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी डेलिबरेटली कुछ नहीं किया वहाँ पे। जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही थी। और लोगों को मेरी पर्सनालिटी पसंद आई। लोगों को लोग मुझे बोल रहे थे कि डोनल्ड इज़ द रियल पर्सन इन बिग बॉस 15। सो इससे बेहतर और क्या चाहिए। आई एम जस्ट थैंकफुल। मैं मुझे ऐसा लगता है मैंने बिग बॉस जीत लिया इतना प्यार पाके लोगों का। वेल डोनल्ड, कहीं ना कहीं हमने देखा आपको कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि यू नो आप अपने आप का जो रियलिटी है वो दिखा पाए, लेकिन घर वालों ने आपको वो मौका नहीं दिया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसी मैं थी मैं वैसी ही थी। मैंने कोशिश ऐसी नहीं की कि मैं ये दिखाऊं कि मैं कैसी रियल हूँ। मैं वैसी ही थी जैसी आप लोगों ने मुझे देखा। मैं अपना स्टैंड लेती थी, मेरे जो ओपिनियंस थे वो मैं बोलती थी, बट लोग मुझे चुप करा देते थे जैसे आप लोगों ने देखा। बट आज मैं बोल पा रही हूँ बिकॉज़ जो मेरे साथ बीती है वो ऑब्वियसली सबको पता ज़रूर चलना चाहिए कि क्या हुआ है। बट मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और जैसी मैं रियल हूँ वैसा उन लोगों ने समझा मुझे। शायद वो 14 लोग अंदर मुझे नहीं समझ पाए जो पूरी दुनिया ने मुझे समझा, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन तेजा और करण का कनेक्शन के बारे में आपको क्या कहना है? आप थे वो घर में? मैं घर में थी, मैंने तो नहीं देखा था तेजा और तेजस्वी और करण का कुछ भी कनेक्शन। बट आई थिंक करण अभी जंगल की तरफ वापस आ गए हैं, तो तेजस्वी को पता है किसको आगे बढ़ने के लिए अप्रोच आपको करना है। क्या लगता है कि जो कनेक्शन बना रहा है जेन्युइन किसका है कनेक्शन? जेन्युइन तो आई थिंक आई कांट से, सब व्यूअर्स हैं, सब लोग देख रहे हैं। और जो रियल है उसको रियल बोलते हैं, जो फेक है उसको फेक बोलते हैं। आई थिंक व्यूअर्स जो है वो सबसे बड़े है जिनको सब कुछ दिखाई देता है। तो आप कुछ प्रिटेंड नहीं कर सकते, वो भी दिखाई देता। कैमरा जो होता है उसमें सब दिखाई, सारा इमोशन दिखाई देता है, क्या रियल है क्या फेक है। वेल डोनल्ड, घर के अंदर तो आपको सताया ही गया, पर बाहर आने के बाद भी हमें ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली है कि आपका 50,000 का कुछ सामान जो है वो गायब कर दिया है। आपको किसने बोला? तो कितनी सच्चाई है इस खबर में और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो पता ही चल रहा है, अभी मैं क्या बोलूँ। घर में तो सताया ही, अभी यहाँ पे भी ऐसा कर रहे हैं। बट what can I say? Let the God decide what is right and what is wrong. मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। पर ये सच है कि आपका सामान जो है काफ़ी सामान नहीं है, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि क्या क्या मिल गया आपको, नहीं मिला है। सो आई हैव गिवन देम, बताया है कि क्या क्या है, तो वो सब मेरी टीम कर रही है। दैट्स
साइन क्या कह सकते हैं। वेल घर के बाहर तो आ गई हैं, लेकिन यू नो वॉर अभी भी चालू है। आपके फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोबारा बिग बॉस हाउस के अंदर जाएं, तो आपका क्या प्लान है अगर मौका मिले तो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर के अंदर? बिल्कुल मैं जाना चाहूँगी। ब्रिंग बैक डोनाल्ड भी काफ़ी ट्रेंड हो रहा था, और एवरी डे सब मुझे इतना प्यार दे रहे थे, इतना ट्रेंड कर रहे थे। थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन। अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और मैंने जितना जैसी मैं थी, ऐसा नहीं है कि मैं चेंज हो जाऊंगी या कुछ, जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूंगी, विद डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट। जैसी मैं निकली हूँ घर से बाहर, वैसी ही मैं वहाँ पे रहूँगी, बिकॉज दिस इज़ रियल मी। और उन लोगों को ये ज़रूर बताऊँगी कि मास्क पहनना छोड़ दे, कोरोना नहीं है, अंदर नहीं है।